डायरेक्टर विक्रम भट्ट पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री में हॉरर फिल्में बनाने की वजह से जाने जा रहे हैं। हॉरर फिल्मों की एक बड़ी विरासत डायरेक्टर ने अपने नाम कर ली है। इनमें से कई सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन भी किया। विक्रम भट्ट का जन्म 27 जनवरी 1969 को मुंबई में हुआ। विक्रम भट्ट के दादा विजय भट्ट 50 और 60 के दशक के बड़े फिल्म निर्माता निर्देशक थे। उन्होंने कई सारी सक्सेसफुल फिल्मों में काम किया। विक्रम के पिता प्रवीण भट्ट एक नामचीन सिनेमेटोग्राफर हैं। विक्रम ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो उन्होंने रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों पर फोकस किया था, मगर एकाएक वे हॉरर फिल्में बनाने लगे। अब आलम ये है कि ये डायरेक्टर अब तक करीब एक दर्जन हॉरर फिल्म बना चुका है। साल 1992 में विक्रम भट्ट ने जानम फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने मदहोश, गुनहगार और फरेब जैसी फिल्में बनाई। साल 2002 से राज फिल्म से वे हॉरर जॉनर में घुसे और नए ट्रेंड सेट करने की तरफ बढ़ने लगे। फिल्म सक्सेसफुल हो गई और विक्रम को इस बीट पर फिल्म बनाने में मजा आने लगा। इसके बाद तो डायरेक्टर ने हॉरर फिल्मों की लाइन लगा दी। 1920, हॉन्टेड 3D, राज 3D, क्रीचर 3D, राज रिबूट, 1921 और घोस्ट जैसी फिल्में बनाई। पर्सनल लाइफ की बात करें तो विक्रम ने अपनी बचपन की दोस्त अदिति के साथ शादी की थी। इस शादी से उन्हें कृष्णा भट्ट नाम की एक बेटी है। बता दें कि विक्रम भट्ट का दो बड़ी अभिनेत्रियों के साथ अफेयर रह चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो अमीषा पटेल के साथ विक्रम भट्ट 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे, मगर बात दोनों के बीच में बन नहीं पाई। इसके अलावा कहा तो ये भी जाता है कि सुष्मिता सेन के साथ भी डायरेक्टर का अफेयर रहा है। डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि सुष्मिता की वजह से उनकी शादी टूटी है। हालांकि विक्रम ने ये भी कहा था कि इसमें उनकी गलती भी थी।